प्यारे बच्चों आदाब उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं आज के हमारे इस सबक में हम घर से मुतालिक दो दिलचस्प नज्में सुनेंगे हम सब को अपना घर प्यारा प्यारा लगता है है ना बच्चों? तो आइए देखते हैं कि ये मेरा और आपका घर कितना हसीन है इस नज्म का वान है हमारा घर आइए जनाब से सुनिए लीजिए नज्म सुनिए छोटा सा एक घर है मेरा छोटा सा एक घर है मेरा प्यारा प्यारा घर है मेरा इसमें दादा दादी हैं, है। इस इसमें दादा दादी हैं अम्मा अब्बा भाई हैं एक बहन है छोटी सी एक बहन है छोटी सी नन्ही मुन्नी भोली सी वो सब हमको प्यारे हैं वो सब हमको प्यारे हैं हम उन सबको प्यारे हैं मुझे उम्मीद है कि ये नज्म आपको पसंद आई होगी अब नज्म से मुतालिक चंद बातें जनाब से सुनिए बच्चों हम सब को अपना अपना घर कितना अच्छा लगता है उसमें हम रहते हैं उसमें हमारे माँ बाप हैं भाई बहन हैं दादा दादी हैं इस वजह से हमको अपना घर बहुत प्यारा लगता है इस छोटी सी नज़म में शायर ने हमें ये बताना है कि कोशिश की है कि हमारा घर कितना छोटा क्यों ना हो चाहे वो बड़ा क्यों ना हो लेकिन हम सबको अपना घर बहुत प्यारा लगता है हमें हमारा घर क्यों प्यारा लगता है इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं इसमें हमारे माँ बाप हैं भाई बहन हैं दादा दादी हैं इस वजह से हमको अपना घर बहुत अच्छा लगता है बहुत प्यारा लगता है हम सुबह को घर से निकलते हैं स्कूल जाते हैं और शाम को जब स्कूल की छुट्टी होती है हम घर फौरन जाना पसंद करते हैं हम कहीं जाते हैं शाम को घर लौटते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है हमारे घर में अगर हमारे छोटे भाई बहन हैं तो हम उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं स्कूल जाने से पहले घर में हमारी छोटी बहन अगर हो तो हम उनसे मिलकर भी खुश होते हैं अगर हमारे घर में एक छोटी बहन है नन्ही मुन्नी है सी है भोली भाली सी है तो वो हमें बहुत प्यारी लगती है हमारे घर में हमारे माँ बाप हैं वो भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं वो भी हमें बहुत प्यारे हैं लिहाजा घर में जितने लोग हैं वो हम सबको बहुत प्यारे हैं इसी वजह से हम अपने घर को बहुत पसंद करते हैं घर चाहे छोटा ही क्यों ना हो लेकिन उस घर में जब माँ बाप होते हैं भाई बहन होते हैं छोटी बहन होती है या छोटा भाई होता है तो हमें अपना घर बहुत अच्छा लगता है तो प्यारे बच्चों अब दूसरी सुनिए इस नज्म का उन्वान भी हमारा घर है जनाब से सुनिए लीजिए नज्म सुनिए एक चिड़िया के बच्चे चार एक चिड़िया के बच्चे चार घर से निकले पंख पसार मशर से मगरब को जाए मशरक से मगरब को जाए शिमाल से जुनूब को आए घूम घूम सब घर को आए माँ को ये जवाब सुनाए देख लिया हमने जग सारा देख लिया हमने जग सारा अपना घर है सबसे प्यारा तो बच्चों इस नज्म से मुतालिक चंद बातें आप जनाब से सुनिए बच्चों आपने देखा कि पहली नज्म में हमने आपको बताया था कि हमारा एक छोटा सा घर है उसमें हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन है दादा दादी हैं। अब दूसरी नज्म में आपने देखा कि हमने कहा कि एक चिड़िया है जिसके चार बच्चे हैं वो भी घर में रहते हैं हमने यहाँ पे लफ्ज घर इस्तेमाल किया है लेकिन हम सबको मालूम है चिड़िया जो है वो घर में नहीं रहती है बल्कि उसका एक घोंसला होता है वो दरख्त पर रहती है और उसके चार बच्चे हैं वो चार बच्चे भी उसी घोंसले में रहते हैं और जब वो अपने घर से निकलते हैं तो वो हमारी तरह पैदल कहीं नहीं जाते हैं बल्कि वो अपने पंख या अपने परों को फैलाकर उड़ते हैं और फिर कहीं जाते हैं मशरक की तरफ जाते हैं मगरब की तरफ जाते हैं शिमाल से जुनूब की तरफ जाते हैं का मतलब यह है कि वो चारों तरफ जाते हैं चारों तरफ जाते हैं वो पैदल नहीं जाते हैं वो बस के जरिए नहीं जाते हैं वो गाड़ी के जरिए नहीं जाते हैं बल्कि उनके पर हैं तो वो उड़ कर चारों तरफ जाते हैं और आपने देखा होगा कि हमारे घर के करीब अगर कोई दरख्त हो और उस दरख्त पे अगर कोई घोंसला हो तो उसमें परिंदे रहते हैं उसमें चिड़िया रहती है और सुबह सवेरे जो ही वो जागते हैं सूरज निकलने से पहले वो जाग जाते हैं फिर वो उड़ते हैं अपने पर फैलाते हुए वो चारों तरफ जाते हैं चारों तरफ घूमते हैं और अपनी मां को क्या कहते हैं कि उन लोगों ने पूरी दुनिया को देख ली है लेकिन उनको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है उनको अपना घर सबसे अच्छी जगह मालूम होता है लिहाजा हम इन दोनों नजमों से जो बात समझ सकते हैं वो ये चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो चाहे वो परिंदा हो हम सबको अपना अपना घर बहुत पसंद लगता है परिंदा जो है चिड़िया जो है वो अपने घोंसले में रहना पसंद करती है इंसान जो है वो अपने घर में रहना पसंद करता है कुत्ता सग खाने में रहना पसंद करता है चूहा जो है वो बिल में रहना पसंद करता है कबूतर काबुक में रहना पसंद करता है लिहाजा जितने जानदार हैं उन सब को अपना अपना घर बहुत पसंद है प्यारे बच्चों उम्मीद है कि ये दो नज़में आपको जरूर पसंद आई होंगी अब आप बार बार इन्हें सुन सकते हैं और लुत्फ उठा सकते हैं अब इजाजत दीजिए अगर खुदा ने चाहा, तो फिर मिलेंगे खुदा, खुदा हाफिज, हाफिज।